प्यार से हम जिन्हें बापू कहते हैं, वास्तव में उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता पोरबंदर में एक आला कर्मचारी थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। गांधी जी एक सामान्य छात्र थे, लेकिन पिता की सहजता और माता का हौसला प्राप्त था। राजा हरिश्चंद्र की कहानियां गांधी जी को प्रेरणा देती थी और वो भी अपने अंदर आश्वासन लाना चाहते थे। 19 साल की आयु में वो इंग्लिस्तान गए एक वकील बनने। भारत आने के पश्चात उन्होंने अपनी वकालत बंबई में की, परंतु उनके हिस्से में अधिक सफलता नहीं आई। तभी उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक नौकरी मिली और वो वहां चले गए। उनकी आयु उस वक्त 24 वर्षीय थी और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उनको यूरोपियों के बीच काम करना पड़ा और काफी प्रभाव भी रहा। इसी भेदभाव के कारण एक बार उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो यूरोपियों के लिए आरक्षित थी। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो कोच के ड्राइवर ने उन्हें पीट कर बाहर निकाल फेंका। यही हादसा आगे चल के गांधी जी की जिंदगी में एक क्रांतिकारी मोड़ बना। उन्होंने सत्याग्रह की स्थापना की। सत्याग्रह के जरिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विश्व में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव का खुला विरोध किया और एक नायक बन के उभरे। 1914 जब गांधी जी भारत आए तो समस्त भारत अंग्रेज का गुलाम था। गांधी जी ने तुरंत स्वराज नामक एक आंदोलन को अपनाया जो केवल भारतीयों की आजादी के लिए था। गांधी जी ने उस आंदोलन को अपना अंदाज दिया और बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन बनाया। 1921 में वो नेशनल कांग्रेस के लीडर बने। ১৯৩০ में जब फिरंगियों ने नमक पर टैक्स लगाया तो इसका विरोध गांधी जी ने 400 किलोमीटर डांडी मार्च करके किया। अपने हाथ से नमक का उत्पादन करना सिखाया और ये देखकर अंग्रेजों को चुनौती मिली। फिर उन्होंने खादी से बने हुए कपड़ों का आंदोलन छेड़ा और चरखे से बनने वाले खादी को प्रसिद्धि मिली। गांधी जी ने ना ही लोगों को प्रेरित किया बल्कि अपनी सादगी और सरलता से असहयोग आंदोलन करने का रास्ता बताया। गांधी जी एक सरल व्यक्ति होने के साथ साथ धार्मिक भी थे और भगवद गीता के सार पर निष्ठा रखते थे। वो छुआछूत और अन्य ऐसी प्रथाओं से घृणा करते थे। वो सबको बराबर का दर्जा देना जानते थे और यही संदेश फैलाते थे। कई बार अपने विरोध के लिए अनशन करके उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। गांधी जी को यही उचित समय लगा कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में उन्होंने स्थापित किया। आखिर 1947 को अंग्रेजों ने काफी प्रभावशाली आंदोलन और गांधी जी के संघर्ष के आगे घुटने टेक दिए और भारत को आजाद किया। लेकिन जाते जाते भारत को दो देशों में बांटकर चले गए। इससे हिंदू और मुसलमान दंगे भी उजागर हुए और कई प्राणों की क्षति हुई। गांधी जी पुनः आसन पर बैठ गए और शांति की मांग करने लगे। 1948 के दिन जब उनका अनशन जारी था, नई दिल्ली में उन्हें एक राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग जिंदा हैं। सच ही है कि गांधी जी सदी के महापुरुष थे। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।